हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम दो कंप्यूटर के बीच के अंदर फाइल शेयर कर सकते हैं, यानी कि लैन केबल के थ्रू, हमारे राउटर के थ्रू हम किस तरीके से उसके अंदर फाइल शेयर कर सकते हैं, ये आज हम सीखेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर जाइए नेटवर्क के अंदर, उसके बाद ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, यहाँ पर चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग के अंदर यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, होम और वर्क, और उसके बाद पब्लिक नेटवर्क। तो सबसे पब्लिक नेटवर्क के अंदर क्या करें कि नेटवर्क डिस्कवरी के अंदर टर्न ऑन कर दें नेटवर्क डिस्कवरी, जिसकी मदद से हमें जो भी कनेक्टेड कंप्यूटर्स है वो वहाँ पर दिखेंगे, अगर उन लोगों ने टर्न ऑन रखा है तो। फिर उसके बाद कर दीजिए कि फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग के अंदर टर्न ऑन फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग, जिसकी मदद से ये फाइल और प्रिंटर शेयरिंग करना शुरू कर देगा कि जो नेटवर्क के अंदर पब्लिक फोल्डर्स है उसकी जो फाइल्स वगैरह है वो दूसरे कंप्यूटर के साथ शेयर करेगा। जैसे कि यहाँ पर पब्लिक फोल्डर शेयरिंग का ऑप्शन है तो ये भी टर्न ऑन कर दीजिए, जिसकी मदद से आप कोई भी पब्लिक फोल्डर है वो शेयर कर सकते हैं, यानी कि हमारे सी ड्राइव के अंदर जो यूज़र, उसके अंदर पब्लिक यूज़र है तो उसकी जो सारी की सारी फाइल्स है वो हम आसानी से शेयर कर सकते हैं। फिर उसके बाद का जो ऑप्शन है वो मीडिया स्ट्रीमिंग ऑप्शन है, जिसकी मदद से आप दूसरे कंप्यूटर के ऊपर जो भी मीडिया है उसको आपके अपने कंप्यूटर के ऊपर स्ट्रीम कर सकते हैं। सिंपली इसके लिए आप यहाँ पर चूज़ मीडिया स्ट्रीम ऑप्शन क्लिक कीजिए और टर्न ऑन कर दीजिए मीडिया शेयरिंग। उसके बाद आपको यहाँ पर अलाउ कीजिए कि कौन कौन से आपको अलाउ करने हैं, उसके बाद ओके दीजिए। ये थोड़ी सी लंबी प्रोसेस है। फिर आप कौन सा इंक्रिप्शन रखना चाहते हैं, कि यहाँ पर 128 बिट इंक्रिप्शन जो फाइल और कनेक्शन को प्रोटेक्ट करता है, इसके अलावा आप 40 to 56 कैरेक्टर जो बिट का इंक्रिप्शन है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। फिर जो है पासवर्ड प्रोटेक्ट शेयरिंग होता है कि अगर आप मल्टीपल नेटवर्क से कनेक्टेड हो रहे हैं एक ही टाइम के अंदर, तो उस टाइम आपको पासवर्ड प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी कि किस तरीके से हम पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो वो पासवर्ड प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर पासवर्ड प्रोटेक्ट टर्न ऑन कर दीजिए, अगर पासवर्ड प्रोटेक्ट नहीं रखना है तो टर्न ऑफ कर दीजिए। ये तो हमारा हो गया पब्लिक फोल्डर के अंदर। अब हम इसी तरह होम और वर्क फोल्डर के अंदर भी नेटवर्क डिस्कवरी को टर्न ऑन करेंगे, इसके अलावा फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग को भी टर्न ऑन, पब्लिक फोल्डर को भी टर्न ऑन करेंगे। फिर इसके अलावा मीडिया स्ट्रीमिंग करना चाहे तो वो भी। फिर उसके बाद फाइल एंड शेयरिंग कनेक्शन का इंक्रिप्शन करेंगे, पासवर्ड प्रोटेक्शन, और उसके बाद में आखिर जो ऑप्शन होता है वो होम ग्रुप कनेक्शन, की किस तरीके से होम ग्रुप कनेक्शन को मैनेज करना है, तो ये यूज़र अकाउंट्स क्रिएट करके भी यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, इसके अलावा विंडोज़ को भी ऑटोमेटिकली मैनेजमेंट करने दे सकते हैं। अप्रोप्रिएट ऑप्शन सिलेक्ट करके आप सेव चेंजेस दे और सीधा आप विंडोज़ एक्सप्लोर के अंदर चले जाइए, नीचे आपको मिलेगा नेटवर्क, तो नेटवर्क के अंदर आप इजीली देख पाएंगे कि कौन कौन से आपके यहाँ पर दिख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर ये इसके अंदर यूज़र, पब्लिक, तो पब्लिक के जो सारे के सारे फोल्डर है वो आप आसानी से एक्सेस कर पा रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी फोल्डर अपने पब्लिक जो भी दूसरी ड्राइव के अंदर हुआ है हो एग्जिस्ट है, कि अगर मान लीजिए कि डी ड्राइव के अंदर फोल्डर है तो उसको आप पब्लिकली शेयर करना चाहते हैं, कि आपके जितने भी नेटवर्क कनेक्टेड है उसके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो सिंपली उस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक कीजिए और फिर उसके बाद चले जाइए शेयरिंग ऑप्शन के अंदर, शेयर विथ, और यहाँ पर जो भी आप अप्रोप्रिएट ऑप्शन है कि होम ग्रुप के साथ सिर्फ उसे रीड करना देना चाहते, कि होम ग्रुप के अंदर जो भी कनेक्टेड नेटवर्क है कंप्यूटर से उसके अंदर सिर्फ इसको रीड करना की और परमिशन देना चाहते हैं, या फिर रीड और राइट दोनों परमिशन देना चाहते हैं, ये सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर स्पेसिफिक पीपल के साथ आप शेयर करना चाहते हैं तो उसके साथ उसको भी शेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो लेक्चर से आपको फाइल शेयरिंग में अपने नेटवर्क के थ्रू शेयरिंग करने के लिए मदद मिली होगी। आप हमारे YouTube चैनल पर आकर हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस शेयर कीजिए। थैंक यू।